हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सीमा, आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड अपनी वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए यहाँ पर ये वीडियो शूट कर रही हूँ मैं। और ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड है, इतना ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है ये। और आई होप जितनी भी लेडीज़ होंगी, जो भी जिनके भी डिलीवरी होने वाली है या फिर जिनके बेबी होने वाले हैं या फिर अभी डिलीवरी में टाइम है या फिर वो प्रेग्नेंट है, ये टॉपिक उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बिकॉज जब एक्सपीरियंस हो जाता है हमें, तो उसके बाद हम अगर ये वीडियो बनाते हैं आफ्टर डिलीवरी के बाद, तो काफ़ी कुछ हमें पता होती है कि क्या चीज़ें कैसे करनी होती है, तो प्रॉब्लम कम होती है। तो अगर आपको डिलीवरी से रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए होंगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं उसकी एक प्लेलिस्ट वगैरह जो भी होगी वो मैं अलग से क्रिएट कर दूंगी और उस पर डिलीवरी से रिलेटेड वीडियोज़ वगैरह मैं उस पर आप लोगों को दूंगी, इससे आप लोगों को हेल्प मिलेगी। तो आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर डिलीवरी में जो हेयर फॉल होते हैं, किसी इंसान को ये होता है कि जब वो लेडी प्रेग्नेंट होती है तब उसे तब उनके हेयर फॉल होते हैं। जैसे किसी का 3 मंथ लग गया या फिर 4 मंथ या फिर आफ्टर 6 मंथ के बाद से हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। और बहुत सी जो लेडीज़ होती हैं उनके साथ में ये होता है कि आफ्टर डिलीवरी उनके हेयर फॉल बहुत होते हैं, बच्चे जब बोलते हैं तो डिलीवरी उनके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें तो मेरे साथ नहीं हुई हैं। बाकी मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि मैं अपने हेयर की उस समय बहुत अच्छे से केयर कर रही थी, मैंने अपने हेयर में कोई भी कमी नहीं करी थी, अपनी डाइट में कोई भी कमी नहीं करी थी, इस वजह से मेरे हेयर फॉल नहीं हुए थे। बट हाँ, मैं डिलीवरी के टाइम पर एक चीज़ यूज़ कर रही थी और मैं अलग अलग तरीके के पैक भी यूज़ करती थी, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। बाकी ये जो वीडियो है, मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मेरे से ये बोला था कि मैम मेरी नेक्स्ट मंथ डिलीवरी है, वो बहुत काफ़ी टाइम से मुझे ये रिक्वेस्ट कर रही है कि दीदी आप डिलीवरी पे वीडियो बनाइए, मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, स्ट्रेस ले रही हूँ मैं, टेंशन हो रही है कि मेरी 1 महीने बचे हैं डिलीवरी के और मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। सो फाइनली मैंने कहा कि वो बहुत ज़्यादा बंदी परेशान है तो उनको स्ट्रेस ना दिया जाए। तो बाकी आप सब लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए, सबकी रिक्वेस्ट को मैं पूरी करूँगी और जो ये जो वीडियो है मैं उनको डेडिकेट करूँगी। और यहाँ पर उनके लिए ही नहीं है ये, जितनी भी लेडीज़ हैं जो प्रेग्नेंट हैं, जिनकी डिलीवरी होने वाली है, वो इस चीज़ को ट्राई करेंगे तो जो उनके बालों की जो झड़ने की समस्या है, प्रॉब्लम है, वो ख़त्म हो जाएगी, बालों में जो शाइनिंग है वो भी आ जाएगी, बाल जो थिक नहीं है, पतले हैं, वो भी सही हो जाएंगे। और अपनी डाइट जो होती है, एक डिलीवरी के टाइम पे जो डाइट होती है या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे जो डिलीवरी हमारी जो डाइट होती है वो प्रॉपर अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको डाइट पे वीडियो चाहिए होगी तो वो भी मैं आप लोग के साथ में शेयर कर दूंगी, अगर आपको इस पे रूटीन के हिसाब से अगर आपको वीडियो चाहिए होगी तो। तो आपको करना क्या है कि आपके जब आपके बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं आफ्टर डिलीवरी या फिर आप प्रेग्नेंट हैं, तो मार्केट में बहुत सारे आते हैं एप्पल साइड विनेगर, जानते ही होंगे आप, एप्पल का जो सिरका होता है, सेब का सिरका। तो मैं आपको यहाँ पर जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैं आपको दिखा दूंगी, बट थोड़ी सी इसके ऊपर बात कर लेते हैं इस टॉपिक पे कि ये काम कैसे करता है और इसका काम क्या होता है, ये किस हिसाब से वर्क क्या करता है और आपके बालों को कंट्रोल कैसे करता है। ये क्या करता है कि जैसे हमारे बालों में कभी कभी ये होता है कि हम कोई चीज़ खाते पीते हैं, ठीक है, या फिर हम पैक लगाते हैं अपने बालों में, तो जो हमारे जो सर की जो पोर्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो जो ये जो हमारा एप्पल साइड विनेगर होता है, सिरका होता है, इसमें बहुत ज़्यादा खट्टापन होता है, ये आपके बालों में जाकर उन पोर्स को जो होता है उनको खोल देता है, अनलॉक कर देता है। इससे क्या होता है, जब हम ऑयलिंग करते हैं या फिर हम कोई चीज़ खाते पीते हैं या फिर हम कोई चीज़ लगाते हैं अपने बालों में, तो वो बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ कि मैं कौन सा एप्पल साइड विनेगर यूज़ करती थी। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसी चीज़ की बात कर रही थी, एप्पल साइड विनेगर, सेब का सिरका, ये काफ़ी अच्छा होता है अपने आपके बालों के लिए। तो आप लोगों ने देखा है, नहीं देखा है पता नहीं, आप लोग यूज़ करते हैं नहीं करते, बट मेरा मानना ये है कि आप इससे महीने में 2 बार इससे अपने वाटर में या फिर नॉर्मल पानी ले लीजिए। आफ्टर शैम्पू आपको अपने पानी में इसको ऐड करना है, 1 मग पानी ले लीजिए, उसमें आप इसको 4 टेबल स्पून के करीब इसे ऐड करना है, मिक्स करना है, उसके बाद आपको अच्छे से अपने बालों पर डालना है। डालने के बाद से आप अपने टॉवल से उसको रैप कर लीजिए, फिर उसको ड्राई कर लीजिए, उसके बाद आप अपने बालों में सीरम लगा लीजिए, अगर आप सीरम लगाते हैं तो, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है सीरम लगाना।
मैं तो अपने बालों में कुछ भी यूज नहीं करती हूँ फालतू। मैं जो भी चीजें यूज करती हूँ अपना घर का DIY बनाती हूँ, मैं फिर वही यूज करती हूँ, क्योंकि जो भी मार्केट में जो भी चीजें आती हैं वो केमिकल से रिलेटेड होती हैं और मुझे केमिकल पे विश्वास नहीं होता, क्योंकि केमिकल की जो चीजें होती हैं वो कुछ टाइम तक ही होती हैं, जैसे मान लीजिए 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, बस इससे ज्यादा नहीं होती है। अगर आप तो घर का कोई चीज बना करके लगाते हो अपना DIY, सर्च करते रहो टॉपिक पे, थोड़ी बहुत नॉलेज भी होनी चाहिए इन सब चीज़ों की, तो आप सर्च करते रहिए और अपना DIY बनाकर लगाइए। मैं आप लोग को DIY ही प्रेफर करूंगी, और जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनके लिए तो ज़रूरी होता है कि वो अपना DIY ही यूज़ करें, केमिकल वाली चीज़ों से दूर रहे। कहते हैं डिलीवरी के टाइम पे हेयर में कलर नहीं कराना चाहिए, हेयर स्पा नहीं कराना चाहिए, रिबॉन्डिंग नहीं करानी चाहिए, स्मूथनिंग नहीं करानी चाहिए, केराटिन ट्रीटमेंट वगैरह नहीं लेना चाहिए, और जब लेडी प्रेग्नेंट होती हैं उसमें हेयर कटिंग भी नहीं करानी चाहिए, बिकॉज उससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। बट मेरा यूट्यूब था, चैनल था, इस वजह से मुझे शुक्ल पक्ष वगैरह में आप लोग को वीडियो वगैरह देनी होती थी, तो मुझे कटिंग करानी पड़ती थी और मैं कटिंग करा लेती थी, कोई दिक्कत नहीं होती थी, मैं खुद ही कर लेती थी कटिंग। तो आप कटिंग अपने हाथ से ट्रिमिंग कर सकते हैं, और बाहर में जाकर आप मत कराइए। तो आपको इसको क्या करना है, वाटर में आपको इसको मिक्स करना है, मिक्स करने के बाद से आप इसे अपने हेयर पे लगाइए, इसको पूरे स्कैल्प से लेकर आपको पूरे अपनी लेंथ तक यूज़ करना है। इसका जो इफेक्ट है बहुत अच्छा है, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान प्रेग्नेंट है या फिर जिनके डिलीवरी होने वाली है वही उन्हीं के लिए है ये वीडियो सबके लिए है। और इसका जो बेनिफिट्स होगा, जो रिजल्ट होगा, आप हमें बताइएगा ज़रूर। आप इसको 1 महीने यूज़ करिए, आपको महीने में बस 2 बार करना है, हर 15 दिन पे ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों से 2-3 बात ये कहूँगी कि मैंने आप लोगों से कल की जो वीडियो डाली थी, अपना हेयर टॉनिक डाला था, उसमें मैंने बोला था कि मैं ग्रे हेयर के लिए एक वीडियो अपलोड करूंगी, तो ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो थी। कल के वीडियो में भी मेरे पास कमेंट आया था इस वीडियो के लिए, तो फिर मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बना लेती हूँ, तो मैं जो ग्रे हेयर वाली वीडियो है वो मैं कल दे दूंगी आप लोगों को, और जो मेरी 3rd वीक का जो हेयर केयर रूटीन है वो मैं आप लोगों को परसों दे दूंगी। तो अगर मे बी अगर हो पाया तो मैं दोनों वीडियो आपको कल ही दे दूंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये नॉलेज अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स, लव यू।